हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, क्या हमें डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने हैं या फिर डिटेल्स ही फिल करनी है, तो इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस कर दें ताकि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक छूट न पाए। दोस्तों, नीट 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करने होंगे। इसमें आपको सिर्फ डिटेल ही भरनी होगी और वो डिटेल आपको 10th और 12th की मार्कशीट से फिल करनी है। अगर आप 12th क्लास की बोर्ड की एग्जाम इसी साल दे रहे हैं तो आपको अपेयरिंग ऑप्शन फिल करना है, जिससे आपको 12th की मार्कशीट की आवश्यकता नहीं होगी। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए 10th 12th की डिटेल्स के साथ साथ आईडी कार्ड यानी पहचान पत्र की डिटेल की भी आवश्यकता होती है। तो फाइनली आपको डिटेल भरने के लिए 10th 12th की मार्कशीट के साथ साथ आईडी प्रूफ के लिए आईडी के नंबर भी फिल करने हैं। अगर आपके पास 10th 12th की और आईडी कार्ड की डिटेल्स मोबाइल में सेव है या फिर आपके पास इसकी फोटोकॉपी है तो आप केयरफुली डिटेल्स फिल करें। अब मैं आपको यहां पर यह बताऊंगा कि कौन कौन सी डिटेल हमें एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करने हैं, तो इसको हम सबसे पहले रेडी करके रख लें। तो सबसे पहले नेशनलिटी फिल करनी है, इंडियन है या फिर अदर। इसके बाद में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये सिर्फ जेएनके कैंडिडेट के लिए है जो 15% ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर इस साल जेएनके भी 15% ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करता है तो इस फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आपको कैटेगरी फिल करना है, यू आर, ओ बी सी, ई डब्ल्यू एस, एस सी, एस टी, कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं, आपने केयरफुली इसमें फिल करना है। इसके बाद में परमानेंट एड्रेस फिल करना है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है। इसके बाद में पासवर्ड नंबर, ये आईडी प्रूफ में है, इनमें से कोई एक आईडी प्रूफ आपके पास है तो उसके नंबर डालने हैं, जैसे पासपोर्ट नंबर, राशन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, कोई भी गवर्नमेंट आईडी नंबर, जैसे 12वीं का आपका एडमिट कार्ड हो गया। इसके बाद में आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट और इलेक्शन कार्ड के ईपीआईसी नंबर, तो इनमें से आप कोई भी एक आईडी जो आपके पास अवेलेबल है उसके आपने यहाँ नंबर डालने हैं। इसके बाद में स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालना है जिसमें आपका जन्म हुआ है। इसके बाद में फादर, गार्जियन, मदर का ऑक्यूपेशन डिटेल डालना है। इसके बाद में उनकी क्वालिफिकेशन डालनी है और एनुअल इनकम डालना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट केयरफुली आपने डिटेल भरनी है वो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर भरना है। इसमें 11 लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आता है। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें इंग्लिश में ही पेपर आएगा, बाकी अदर लैंग्वेज में इंग्लिश के साथ साथ जो आप लैंग्वेज भरेंगे दोनों में क्वेश्चन पेपर आता है। इसके बाद में आपने कौन सी क्लास पास की, 12वीं कौन से ईयर में पास किया है या फिर पास करने जा रहे हैं, फिर परसेंटेज भरनी है आपको 10th की, 12th की। इसके बाद में स्टेट भरना, आपने कहाँ से किया है 10th 12th। इसके बाद में आपने रिलीजन भरना है, माइनॉरिटी स्टेटस भरना है और अगर डिसेबिलिटी कोई विकलांग है तो वो उसमें डिटेल्स भरनी है आपने। इसके बाद में 12th का इंस्टीट्यूशन टाइप प्राइवेट है या गवर्नमेंट, ये भरना है। इसके बाद में रूरल एरिया है या अर्बन एरिया में आपकी स्कूल, वो भरना है। इसके बाद में आप कौन से स्टेट से बिलोंगिंग करते हैं और क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन कोड भरना है कि आपने कौन कौन सी क्वालिफिकेशन कर रखी है, उसकी डिटेल भरनी है। तो ये आपको फॉर्म फिल के टाइम में बता देंगे। और इसके बाद में चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी यानी आप एग्जाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं, एग्जाम कहाँ देना चाहते हैं, ये डिटेल सारी फिल आपको करनी है। इसके अलावा आपको करेक्ट मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी फिल करनी है। मोबाइल नंबर आपने एक्टिव ही देने हैं,
ये आप अपने पेरेंट्स का भी दे सकते हैं। मोबाइल नंबर पर एनटीए की तरफ से मैसेज भेजे जाते हैं और ईमेल आईडी पर आपके एडमिट कार्ड भेजा जाता है, तो आपने एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देने हैं। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको फोटो 10 से 200 KB में अपलोड करना है और सिग्नेचर 4 से 30 KB में JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है इसको। इसके बाद में फोटो का मैं आपको बताऊं कि जो फोटो का बैकग्राउंड होता है उसमें कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड या फिर बिल्कुल कलर वाला बैकग्राउंड ही चलेगा इसमें। इसके बाद में आपने स्कैन करके इनको अच्छी तरह से अपलोड कर देना है। तो दोस्तों ये जानकारी थी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी डिटेल भरना है, बाकी डिटेल्स आपको फॉर्म स्टार्ट होने के बाद बता देंगे। ये फॉर्म 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सारी सूचनाएं किस किस प्रकार से आपने फॉर्म भरना है ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको फॉर्म स्टार्ट होने के बाद में दे देंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।